बैक टू टू सिस्टर्स चैलेंज। मैं हूँ प्रीत। सो गाइज, बैकग्राउंड देखकर आपको इतना तो गेस हो गया होगा कि आज की वीडियो चैलेंजिंग वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं समथिंग न्यू। तो जिसके लिए हम आए हुए हैं कांदिवली वेस्ट, महावीर नगर, खाऊ गली। तो गाइज, हम यहाँ पर कवर करेंगे ढेर सारे स्ट्रीट फूड, और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। बट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना इतनी सारी वैरायटीज़ है ना कि एक वीडियो में कवर कर पाना इज़ इम्पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, हम सेग्रीगेट करेंगे और कुछ यू नो बेस्ट फूड निकालेंगे और वो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं फटाफट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट कुछ खाने के लिए लेके बैठ जाओ यार, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको ना डेफिनेटली भूख लगने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो की स्टार्ट कुछ मीठे से की जाए। सो हम आ गए हैं मुंबा देवी जलेबी वाला शॉप पर, जहाँ पर आपको मिलेगी देसी घी की जलेबी। और मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस और पुरानी शॉप है, मतलब 1987। मुझे तो बिलीव नहीं हुआ, बट येस इट इज़ ट्रू, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके कई सारे ब्रांचेस हैं। तो चलो यार फटाफट ट्राई करते हैं और आपको बताती हूँ इसकी जलेबी कैसी होती है। गाइज, हमारी देसी घी में बनी हुई और केसर की चाशनी में डिप की हुई जलेबी आ गई है। और मीठे के साथ कुछ तीखा करने के लिए हमने साथ में पापड़ी एंड पपैया की चटनी भी ले रखी है, जिसे खाने में ना एकदम मज़ा आने वाला है। सो चलते हैं यार, ट्राई करते हैं इसे फटाफट। सो लेट्स स्टार्ट विद जलेबी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, इतना ऑसम। आई मीन देसी घी, जो देसी घी का फ्लेवर है ना, पूरी तरह से आ रहा है और केसर का भी आ रहा है। तो मैं तो इसे 100% रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर आप आ रहे हो ना तो ये तो ट्राई करके ज़रूर जाना, अगर आप जलेबी लवर हो मेरी तरह। मीठे और तीखे का कॉम्बिनेशन बहुत ऑसम है। सब निकाल दिया। सो गाइस, टेस्ट की बात करूँ ना तो यार ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। सो मैं आपको बता दूँ, मैंने लिया था 100 ग्राम जलेबी एंड 100 ग्राम पापड़ी, जिसका कॉस्ट रुपीज़ था 78 रुपीज़। एंड अगर आपको ट्राई करनी है मुंबा देवी जलेबी वाला की जलेबी, सो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आओ अभी ट्राई करो और मुझे कॉमेंट करो कि आपको ये जलेबी कैसी लगी। सो गाइज, नेक्स्ट हम आ गए हैं UFO फ्राइज़ एंड कॉर्न शॉप पे, जहाँ पे आपको वराइटीज़ ऑफ फ्राइज़, बर्गर्स, इटालियन फूड और भी काफ़ी सारी वराइटीज़ मिलेंगी। सो सबसे पहला डाउट है कि UFO का फुल फॉर्म क्या है, तो चलते पहले भैया से पूछते हैं। सो भैया, UFO का फुल फॉर्म क्या है? ऊंचा उठला फ्राइज ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, ऊंचा उठला फ्राइज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इतना यूनिक नाम आपको आया कहाँ? बिकॉज हमारा जो दूसरा ये है, जो 1964 से श्रीखंड का बहुत फेमस है खंबात में, तो ये वहाँ से आया है हमारा ब्रांड है वो।
तो उन यहाँ पे आके फिर जब ये 2016 में चालू किया तभी UFO नाम सजेस्ट किया कि ऊंचा उठला प्राइज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये काफ़ी पुराना 1964। सो गाइज आप भी आ सकते हो यहाँ पे, ट्राई कर सकते हो, और काफ़ी पुराना भी शॉप है ये बहुत। तो यार चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि इसका टेस्ट कैसा है, जेन्युइन टेस्ट कैसा है, ताकि मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ कि आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है फ्राइज एंड बर्गर। सो मैं इसका नाम बता दूँ, ये है एलियन फ्राइज एंड दिस इज चिपोटले बर्गर, चीज़ बर्गर। सो यार मुझे ना नाम का कॉन्सेप्ट लिटरली नहीं समझा, बट इसमें ना काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, तो बहुत ही यू नो अच्छा महक रहा है। तो चलते हैं ट्राई करते हैं। मैं उसके पहले आपको बता दूँ इसमें क्या क्या डला है। इसके अंदर ना पेरी पेरी, मायोनीस, चीज़, एल्पिनो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसका टेस्ट ना बहुत ही ऑसम आने वाला है। सो चलो गाइज एलियन फ्राइज खाते हैं। सो गाइज इसमें पेरी पेरी, चीज़, मेयो एंड एल्पिनो का जो टेक्सचर है ना वो एकदम परफेक्ट था। लिटरली मन ही नहीं कर रहा था कि मैं रुकूं और बोलूं, ऐसा लग रहा था कि खाती ही जाऊं। सो यार मैं पहले ख़त्म कर लेती हूँ फिर आगे बात करते हैं। तो गाइज अब मैं ट्राई करने वाली हूँ ये बर्गर। मैं फिर से नाम तो नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट था यार। मैं इसका बता दूँ, इसका जो बन है ना यार लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसके अंदर मेयोनीज एंड ऑनियन के पीसेस, टोमेटो के पीसेस, पेटीज और भी काफ़ी चीज़ें डली गई हैं, वेजीज एंड ऑल। सो चलो यार लेट मी टेक वन बाइट। सो गाइज एक बाइट और ले लेती हूँ और फिर आपको रिव्यू देती हूँ, ठीक है। सो गाइज मुझे ना बर्गर लिटरली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें डली गई थी, जो भी इंग्रेडिएंट्स डले गए थे ना, सबका एकदम परफेक्ट और ऑसम फ्लेवर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार खा लेती हूँ मैं पहले। एंड इसके अंदर ना जो पेटीज डली हुई थी ना, उसका जो आउटर लेयर था ना वो काफ़ी क्रंची था और अंदर काफ़ी सॉफ्ट था यार, मतलब बहुत ही मज़ा आ गया मुझे खा के। सो यहाँ का भी जो एड्रेस है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो कम एंड चेक इट आउट और मुझे बताओ कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। सो गाइज अब मैं ट्राई करने वाली हूँ वेफल्स, जो हर जगह पे वायरल और ट्रेंड करता है। सो यहाँ पर ना काफ़ी सारी वैरायटीज़ के वेफल्स है, बट मैं ट्राई करने वाली हूँ किटकैट वेफल्स। गाइज फ्रेंकली स्पीकिंग एज अ फूड ब्लॉगर मैंने ना अभी तक वेफल्स नहीं ट्राई किया है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू ट्राई वेफल्स। तो चलो ट्राई करते हैं और बताती हूँ मैं कि इसका टेस्ट कैसा है।
सो गाइस फाइनली मेरा किटकैट वफल आ गया है और आप इस देख सकते हो इसके अंदर चॉकलेट सिरप, न्यूट्रेला और क्रंच करके चॉकलेट्स भी डली हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, तो मैं तो पहले ट्राई करने वाली हूँ और मैं आपको इसको डायरेक्टली टेस्ट बताती हूँ कि कैसा है ये। तो गाइज मैंने ना इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लिटरली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और चॉकलेट से भरा हुआ है वेफल के ऊपर, न्यूट्रेला और बहुत सारी चीज़ें भी डाली हुई है लाइक क्रंच करके इसमें चॉकलेट्स, वेफल और भी चीज़ें हैं। यार इसका टेस्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, सो मैं तो जा रही हूँ इसे पहले ख़त्म करने। और अगर आपने ट्राई किया है इसे तो आपको ये कैसा लगता है ना ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये ना मेरा भी अब फेवरेट होने वाला है। गाइस नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं पोटैटो ट्विस्टर और इसमें ना आप देख सकते हो काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं लाइक सेजॉन, गार्लिक चिली एंड देन गार्लिक मायो, पेरी पेरी, बट मैं ट्राई करने वाली हूँ चाट मसाला और प्लेन सॉल्टेड पोटैटो ट्विस्टर, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ना बहुत सारा यू नो मायोनीज एंड चीज़ खा लिया है, तो इस बार मैं एकदम सादा ट्राई करने वाली हूँ और मैं आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, यू विल लाफ ऑन मी कि मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ, बट चलो यार देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। मेरा पोटैटो ट्विस्टर चाट मसाला पोटैटो ट्विस्टर आ गया है और आप देख सकते हो काफ़ी क्रंची दिख रहा है और इसके ऊपर ना चाट मसाला भी डला हुआ है। सो चलो यार गाइस ट्राई करते हैं और बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी गर्म है ये। पोटैटो को ना काफ़ी अच्छे से फ्राइज किया है तो काफ़ी क्रंची लग रहा है, ऊपर से चाट मसाला डाला है ना वो चटपटा फ्लेवर दे रहा है यार। फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड दिस, नॉट सो बैड, अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हो इसे। सो गाइस लेट्स फिनिश इट आउट। सो गाइज आफ्टर हैविंग सो मच फूड मैंने सोचा कि कुछ ऐसा लिया जाए इस बार जो सारी चीज़ों को ईजिली हजम कर ले, तो मैंने लिया है छास, दिस इज़ जीरा मसाला छास जो ना काफ़ी फेमस जगह से लिया है, आई मीन छास वाला शॉप आप देख सकते हो जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है छास और भी बहुत सारी लस्सी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो चलो यार ट्राई करती हूँ मैं और बताती हूँ, वैसे तो इसका टेस्ट आपको पता ही होगा एज़ यूजल सारी छास की तरह होगा, बट मुझे इसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें से ना जीरा का यम्मी यम्मी फ्लेवर आ रहा है और ये अपना प्रोसेस चालू कर दिया है मेरे पेट में जाने के बाद, तो चलो यार इसे ख़त्म करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ, बट उसके पहले मैं आपको मोस्ट रिकमेंडेड फूड बता दूँ। फर्स्ट वन वॉज जलेबी वाला, बहुत ही अच्छा था, एंड सेकेंड जो मुझे लगा वो वेफल्स था, मतलब बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छा और टेस्टी बनाया था उन्होंने, एंड थर्ड वन वॉज पोटैटो ट्विस्टर और जो बाकी चीज़ें वो एंड में आती हैं। सो गाइज यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, मुझे लगता है ना ये जो वीडियो है ना ये बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, बट हम ट्राई करेंगे कि हम फूड सीरीज़ 1, 2, 3 ऐसे करके और भी चीज़ें लेकर आए। बट गाइज़
वी हैव ट्राइड समथिंग न्यू. तो यार डू सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो मिलती हूँ मैं इसी तरह से आपको नए नए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट के साथ. अरे रुको, कहाँ जा रहे हो यार, सब्सक्राइब करके जाओ. तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय. Feel us.